नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पिछले 24 घंटों में कम हो गई क्योंकि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावर की कठोर टिप्पणियों ने अर्ली रेट में कटौती की उम्मीद को धराशाही कर दिया। बहुप्रतीक्षित नोट में फेड ने साल की पहली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग के बाद अपने बेंचमार्क फेड फंड रेट रेंज को 5.25% से 5.5% पर अपरिवर्तित छोड़ दिया। आने वाले महीनों में रेट में कटौती का कोई संकेत नहीं है। क्रिप्टो सहित रिस्की एसेट्स में गिरावट आई है। बिटकॉइन की कीमतें $43,000 के स्तर से नीचे गिर गई। ये $43,700 के अपने दैनिक उच्च स्तर से गिरकर $42,300 पर आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी हाल ही में 1.2% गिरकर $42,400 पर थी। मीटिंग के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये संभावना है कि कमेटी मार्च की मीटिंग के समय तक विश्वास के स्तर तक पहुंच जाएगी कि मार्च को कटौती के समय के रूप में पहचाना जाए। जैसे जैसे मार्च रेट में कटौती की संभावनाएं धूमिल हो गई, वैसे वैसे रिस्की एसेट्स के प्रति इन्वेस्टर्स की भूख भी बढ़ती गई। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम भी नकारात्मक क्षेत्र में फिसल गई। इसने हाल ही में 2.6% की गिरावट के साथ $2,282 पर ट्रेड किया। अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि कार्डानो का ADA, अवलांच का AVAX और पोलकाडॉट का डॉट 3% से 4% गिर गया, जबकि सोलाना का SVL दिन के दौरान $100 से नीचे गिरकर 6% से अधिक गिर गया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 7.11% घटकर $1.53 trillion हो गई। टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 31.9% गिरकर $39.7 billion हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.7 billion है और सभी स्टेबल कॉइन्स $14 billion हैं, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 14.4% और 35.2% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.4% है, जो दिन भर में 3.3% की वृद्धि दर्शाता है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.07% बढ़कर 55,176 पर पहुंच गया। इस बीच एनालिस्ट ने कहा कि बिटकॉइन में सीमित गिरावट है क्योंकि सबसे बड़ी क्रिप्टो स्पष्ट दिशा के बिना $44,000 और $42,000 के बीच समेकित होती दिख रही है। उन्होंने कहा कि इन स्तरों की निचली सीमा समर्थन के रूप में कार्य कर सकती है, जहां खरीदार कदम रख सकते हैं। abracadabra.money डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म abracadabra.money द्वारा जारी एक स्टेबल कॉइन $6.5 million के एक्सप्लॉइट के बाद अचानक गिरकर $0.76 पर आ गया। अटैकर को सैंक्शन प्राइवेसी प्रोटोकॉल टोर्नेडो कैश से फंड मिला था। अटैकर के प्रारंभिक संकेत मूल कारण के रूप में एक राउंडिंग एरर का सुझाव देते हैं। MIM डेवलपर्स ने घोषणा की कि abracadabra DAO पैक को प्रिजर्व करने के लिए स्टेबल कॉइन को वापस खरीदेगा, जो प्रेस समय में $0.94 के आसपास ट्रेड कर रहा था। FTX के कोलैप्स के दौरान 2022 में स्टेबल कॉइन में भी उतार चढ़ाव आया, जिसमें MIM की एक तिहाई कोलैटरल FTT में थी। इस साल की शुरुआत में डिसेंट्रलाइज abracadabra DAO से लॉयर्स और ट्रस्टीज के साथ एक सेंट्रलाइज एंटिटी में पावर ट्रांजिशन के प्रस्ताव के बाद प्रोजेक्ट को जांच का सामना करना पड़ा। PayPal Ventures ने मेश में निवेश किया है, जो एक डिजिटल करेंसी और फिनटेक स्टार्टअप है जो डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। कैपिटल इंजेक्शन मुख्य रूप से फर्म की स्टेबल कॉइन PYUSD का उपयोग करके एलोकेट किया गया था, जो इथेरियम नेटवर्क पर बनाया गया है। मेश विभिन्न एजेंट्स, एक्सचेंजेस, वॉलेट्स और ब्रोकरेज के साथ 300 कनेक्शंस के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट एग्रीगेशन सिस्टम के रूप में काम करता है। ये इन्वेस्टमेंट मेश की सीरीज ए फंडिंग राउंड के बाद आया है, जिसमें मनी फॉरवर्ड इनकॉर्पोरेशन के नेतृत्व में $22 million जुटाए गए थे। इस राउंड में सैमसंग नेक्स्ट, गैलेक्सी स्ट्रीमलाइन वेंचर्स, SNR.VC, हाइक VC, हेटनर ग्रुप और ड्रॉपबॉक्स के को फाउंडर अरश फेडोसी शामिल हैं। मेश के को फाउंडर और CEO बैम अजीजी ने कहा कि एम्बेडेड फाइनेंस से $7 trillion मार्केट अपॉर्चुनिटी होने की उम्मीद है। साल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक सोलाना था, जिसने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। अवेलेबल बेस्ट ऑल्टकॉइंस में से एक होने के अलावा SOL ने सोलाना इकोसिस्टम के अंदर तेजी से विकास देखा है। हालिया क्रिप्टोकरेंसी समाचार के अनुसार सोलाना का स्टेबल कॉइन वॉल्यूम $300 billion से अधिक हो गया है, जो इस इथेरियम से कहीं आगे रखती है। ये विस्तार, जो इथेरियम के हेजमनी के लिए खतरा है, को मुख्य रूप से सोलाना ब्लॉकचेन पर USDC और USDP की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये अपनी तेज ट्रांजैक्शन स्पीड और स्केलेबल आर्किटेक्चर के कारण स्टेबल कॉइन ट्रांसफर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प है। सोलाना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि भविष्य में और अधिक विकास की उम्मीद है, और इथेरियम से भी अधिक।
जापान में सबसे बड़ी नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस SBI NFT ने NFT इंडस्ट्री में ग्लोबल ब्रांड्स को लाने के लिए डिजाइन किया गया एक नया NFT मार्केटिंग प्लेटफॉर्म SBI NFT MITS लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य NFT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सरल बनाना है, जो मार्केटिंग कैंपेन्स का समर्थन करने के लिए एनालिटिक्स टूल और इवेंट मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी प्रदान करता है। ये NFT डिजाइन और कैंपेन मैनेजमेंट को भी कंसोलिडेट करता है, जिससे ये यूजर फ्रेंडली बन जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल्स और बिजनेस को लक्षित करता है, जो फंक्शनल यूटिलिटी NFTs को डिजाइन करने और बनाने, मिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को मैनेज करने और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में सुधार करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। SBI NFT MINTS का लक्ष्य डिजिटल कलेक्टिबल से प्रेरित एक लॉयल फॉलोइंग का निर्माण करना है, और इसका लक्ष्य NFT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सरल बनाना है। GameStop का मीम स्टॉक्स रिसर्जेंस खत्म हो गया है, लेकिन GameStop नामक एक नया मीम कॉइन लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। सोलाना पर मिंटेड GME टोकन में पिछले 24 घंटों में 330% की वृद्धि देखी गई है, जो वर्तमान कीमत $0.0039 से ऊपर पहुंच गई है। $22 बिलियन के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ टोकन का मार्केट कैप लगभग $29 मिलियन है। लोकप्रिय मीम कॉइन्स अक्सर इंटरनेट के चलन, प्रमुख लोगों और विश्व की घटनाओं पर आधारित होते हैं, लेकिन कुछ का चलन खत्म हो जाता है और समय के साथ बना रहता है। डोजकॉइन, इथेरियम के शिबा इनू और सोलाना के बोंग जैसे डॉग थीम्ड वाले कॉइन्स की शुरुआती स्पॉटलाइट के बाद लंबे समय तक कीमतों में उछाल देखा गया है। सोलाना पर GME टोकन का सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी GameStop से कोई लेना देना नहीं है, और ये फर्म के लिए एक अनिश्चित समय पर आया है, जो सबसे अधिक क्रिप्टो फ्रेंडली रिटेलर्स में से एक था। कभी क्रिप्टो दुनिया में अगली बड़ी चीज माने जाने वाले नॉन फंजिबल टोकन मार्केट ने जनवरी में ट्रेडिंग बिक्री की मात्रा में 36% की कमी देखी, जो कुल $1.2 बिलियन थी। NFT खरीदने और बेचने वाले निवेशकों की संख्या में भी कमी आई है, 93,230 खरीदार और 87,203 विक्रेता है। NFT इकोसिस्टम में शीर्ष सबसे अधिक कारोबार वाले ब्लॉकचेन नेटवर्क इथेरियम की बिक्री मात्रा में जनवरी 2024 से दिसंबर 2023 तक 15% की गिरावट देखी गई। प्रमुख क्रिप्टो बिटकॉइन की बिक्री मात्रा में 62% की कमी देखी गई। सोलाना, एक सार्वजनिक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन, ने NFT बिक्री मात्रा में 28% की गिरावट देखी। पॉलीगॉन, एक इथेरियम स्केलिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क, और अवलांच, एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कार्य क्षमता के साथ NFT बिक्री मात्रा में क्रमशः 67% और 102% की वृद्धि देखी गई। एंटरप्राइज कॉन्वर्सेशनल और जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी में अग्रणी Core.ai ने $150 मिलियन की फंडिंग हासिल की है। निवेश का नेतृत्व सेक्टर केंद्रित ग्रोथ इक्विटी निवेशक FTV कैपिटल ने किया था, और इसमें NVIDIA और अन्य निवेशकों की भागीदारी शामिल थी। फंडिंग में Core.ai के मार्केट एक्सपेंशन और AI में कंटिन्यूस इनोवेशन में तेजी आएगी, जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर टैंजिबल बिजनेस और ह्यूमन वैल्यू प्रदान करना है। AI बाजार तेजी से विकास का अनुभव कर रहा है। गार्टनर ने अनुमान लगाया है कि 2023 तक कॉन्वर्सेशनल AI बाजार $377 अरब के रेवेन्यू तक पहुंच जाएगा। Core.ai एक एंटरप्राइज ग्रेड नो कोड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो कंपनियों को AI के साथ सुरक्षित और जिम्मेदारी से व्यापार इंटरैक्शन को सक्षम करने में मदद करता है, जिससे महत्वपूर्ण रेवेन्यू और कॉस्ट सेविंग्स होती हैं। जियो प्लेटफॉर्म ने जियो ब्रेन लॉन्च किया है, जो एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है, जिससे नेटवर्क परिवर्तन के बिना टेलीकॉम एंटरप्राइज या IT नेटवर्क में मशीन लर्निंग क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2 वर्षों में सैकड़ों इंजीनियर्स द्वारा विकसित ये प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग संचालित सेवाएं बनाने के लिए 500 से अधिक REST API और Data API का समर्थन करता है। इसमें इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और स्पीच जनरेशन जैसी AI संचालित सुविधाओं के साथ साथ इनबिल्ट AI एल्गोरिथम भी शामिल है। जियो ब्रेन में प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर, AI और ML एम्बेडेड मोबाइल और वेब एप्स और डेटा एकीकरण क्षमताओं के साथ क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस भी शामिल हैं। पब्लिसिस ग्रुप ने इंटेलिजेंस सिस्टम कंपनी बनाने के लिए 3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में £300 मिलियन निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी ने 2024 में AI में £100 मिलियन निवेश करने की योजना बनाई है, जिसमें 50% अपस्किलिंग, प्रशिक्षण और भर्ती पर और 50% लाइसेंस IT सॉफ्टवेयर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। पब्लिसिस ने 2023 की दूसरी छमाही में अपने AI सिस्टम Core.ai की इंजीनियरिंग शुरू की, और इस साल के पहले 6 महीनों में इसे शुरू करने की योजना है। कंपनी की योजना इंटरनल एफिशिएंसीज के माध्यम से निवेश को फंड करने की है।
इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 ऑटो टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरी से लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।